দুর্গা পূজা আ গিয়া শপিং করনা হ্যায় কিন্তু কিভাবে মেরে পাশে পয়সাই নেই হ্যায় কি করি মেনে শায়দ থোড়া পয়সা জমায়া থা ওয়াহা রাখা থা নেই ওয়াহা রাখা থা হ্যাঁ আইডিয়া क्या मतलब नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं दिलाऊंगा तो नहीं दिलाऊंगा बाबा मैं आपके पैर पकड़ता हूँ दिला दो ये मेरा पैर नहीं है ओ सॉरी तिनी को कॉल लगाती हूँ जो दे मत के बेसी सजा फैला दर्द डिस्को दिल में मेरे किसका कॉल आया रे जासूसी करने के लिए फोन किया होगा हेलो टीनी क्या कर रही है कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठी हूँ और तू कुछ नहीं यार पड़ोसी के घर में झगड़ा लगा है वही झांक रही हूँ और बता इस बार पूजा का क्या प्लान है नहीं यार इस बार मनी नहीं है घूमने का तू ही बोल तूने कपड़े खरीद लिए सो जब तू नहीं घूमेगी तो मैं भी नहीं घूमूंगी और कपड़े लेने के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं है हाँ यार मैं भी वही सोच रही थी हाँ हाँ ठीक है ठीक है दुर्गा पूजा आ रहा है यार हाँ यार तो सस्ती का क्या प्लान है दारू पियेंगे इसका चोर तू अपना बता सप्तमी अष्टमी का क्या प्लान है और दारू पियेंगे हाँ भाई हाँ तू ही बोल रहे हाँ नवमी में और दारू और ज्यादा दारू पियेंगे एक ही बचा है वो भी बोल दे दारू ही दारू पियेंगे नहीं दशमी में दारू से नहाएंगे क्या चाहिए आर यू कॉमेडी मी हाथ में रिसीव दिल से भीख मांगा तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि तू है अंधा चल अब निकल चंदा पूरी बाबा ये तो दम दिच्छे रुको एक मिनट लाती हूँ ये लो 10 रुपया छोटू बम्मा से निकाल तेरे परदादा ने भी 10 रुपया दिया था दादा ने भी 10 रुपया दिया था तेरे बाप ने भी 10 रुपया दिया था अब तू भी 10 रुपया दे रहा है मैं गरीब मेरा बाप गरीब मेरा दादा भी गरीब मेरा परदादा जी भी गरीब नो चल यार मेरे को 10 रुपये भी नहीं मिलेगा हाँ यार क्या चाहिए जी चंदा ये लो 5000 का चेक 5000 5000 5000 5000 से क्या होगा तो और दीजिए अच्छा ये मेरी सोने की चेन भी रख ले सोने का चेन सिर्फ इतना ही ये लो जमीन के कागजात पर उससे ज्यादा और नहीं दे सकूंगी जमीन के कागजात सिर्फ इतना क्या है? जी चंदा लगता है ठीक से सुना नहीं जी चंदा जी फिर से नहीं दूंगी ये कोई तरीका है चंदा मांगने का अच्छा बताओ तुम्हारी पूजा में क्या क्या स्पेशलिटी है जी हमारी यहाँ 10 बल्ब 4 लाइट 3 हेलोजिन 3 माइक 100 बास 100 कलर कपड़े और यही नहीं एक्वेरियम भी है जिसमें रो कातुन इलिश भापा सब है जिंदा है ऐसे ऐसे चलता है और यही नहीं हमारे असुर भी है जिसका बहुत अच्छा बॉडी भी है जिसके पास दिल बाइसेप पैसे लेग चेस्ट कट सब है और ये आर्नल्ड भी उससे सामने फेल है आर्नल्ड के पास जो भी नहीं है वो हमारे असुर के पास है अब तो प्लीज चंदा दे दो फिर भी नहीं दूंगी किसी के हाथ में हीरा किसी यहाँ पे जो भी चाहिए तू सब ले लेना ठीक है पर भाई मेरे पास पैसा नहीं है अरे पैसा का टेंशन क्यों करता है तेरा भाई है ना बोल तुझे क्या चाहिए थैंक यू भाई अरे कुछ नहीं चल देखते और क्या क्या सामान हेलो शॉपिंग करने जाएगी क्या नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी मैंने भी यही सोचा नहीं जाऊंगी ठीक है ना अच्छे शूज
वो मुझे ना स्कूटी में पेट्रोल डालना था, तो मैंने सोचा थोड़ा मार्केट होके आ जाती हूँ। अरे छाड़ ना, चल बाजार कोड़ी। देख मुझे ये वाला पसंद आया, ये मैं ले लेता हूँ ना। ये तो मुझे पसंद है भाई। क्या तुझे पसंद है? अरे तू रख ले। नहीं भाई इन्हें दे। अरे नहीं यार तेरे लिए तो कुछ भी, ये भी रख ले। अरे मेरा पर्स भी रख ले, मास्क है वो भी रख ले। अरे आईफोन, अरे किडनी बेच के आईफोन लिया था ये भी रख ले। और एक किडनी बेच दी तेरे लिए, स्पोर्टिंग ले ले, पेन खोल दे। ये देखो कितना अच्छा कपड़ा लाया, जोलू जोलू कपड़ा भी है, साथ में पता पता भी है, रात में चमकाएगा। तुम्हारा तो पता नहीं, जब तुम ये पहनेगा ना तुम्हारा साथ चार लोगों को भी चमका चमका देगा। ये देख ये कपड़ा ठीक है। हाँ यार लेकिन ये तुझ पे नहीं जचेगा। जो भी हो ये तो मैं ही लूंगी। मुझे पसंद आया, मैं ही लूंगी। मुझे पहले नहीं, मैं पहले देखा। नहीं तो क्या हुआ? एक मिनट रुक भैया, इसका रेट कितना है? ज्यादा दाम नहीं है, बस 5,000 रुपया है। ये तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा, अरे तू रख ले। नहीं नहीं यार तुझ पे जो देख, नहीं नहीं तुझ पे अच्छा लगेगा। अबे ये देख ये कितना सुंदर है, और दाम तो खूब कम, इसका तो हम ही रख लो। हाँ यार को मैं पसंद हूँ। अबे चोर कहीं के शकल देख अपने आईने में, पति चलता है। चल भाग, तेरे से ना हो पाएगा। शायद आप लोगों को मैं पसंद आया हूँ। अबे चल चल, तुझसे भी नहीं होगा। शायद आप लोगों को मैं ही पसंद हूँ। हाँ जी, आप बहुत पसंद हो भैया। भाग! अबे मुझे तो थप्पड़ मारने का किसी को मौका ही नहीं मिला। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, एक साथ मिले हुए हो दोनों। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। जा रही है? देखो मुझे कुछ मत करो। चिंता मत करो, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्यार करेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ कुछ मत करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कोई कुछ नहीं करेगा, ये तुम्हारी भाभी है। देखो मैं बॉयफ्रेंड को बुला लूंगी। बॉयफ्रेंड को बुला लो, मैं भी तो देखूँ किसमें ज्यादा दम है। छोटू ha ha ha
छेड़ेगा मेरी वाली को? तेरी इतनी हिम्मत। चलो हम एक ही ग्लास से पीते हैं। अरे तुमने तो पिया ही नहीं। मुझे दिया था तुमने। ये लो तुम भी खा। मुझे नहीं खाना, तुम हमेशा ऐसे करते हो। लस्सी भी खुद पी लिया, अब ये भी खुद खा रहे हो। नहीं तो तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ठीक है मत खाओ। नेक्स्ट ईयर तो माँ फिर से आएगी, चल मंदिर चलते हैं। तो कत बार बोलबो तेरा पीरियड्स। लोग कहते हैं मैं शराबी। ये दारू चढ़ता क्यों नहीं है बे? अरे इतना मत पी साले, चढ़ जाएगा बाद में। अरे तू पी रे, मेरे पास नींबू रखा है। Yeah, that's my boy. Yes. फाइनली पूजा खत्म हो गया, चलो सब लोग मिलके दारू पीते हैं। चल बंदे लोगों भी बुला लेते हैं। मुझे इनका इरादा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ नहीं होगा, बुला ही लेते हैं। अच्छा ठीक है चल। चल तू जब बोल ही रही है बुला ही लेते हैं। सब नशे में, चल कुछ करते हैं। हाँ चल मजा आ जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम? तुम लोग किसी का मजबूरी का ऐसा फायदा कैसे उठा सकते हो? और तू, ये तो तेरा बहन है ना, तू ऐसा कैसे बोल सकता? पता है इस देश में हर दिन 91 रेप होते हैं, और उसके अलावा भी रोज 1000 रेप ऐसे होते हैं जो लड़की अपनी इज्जत के कारण नहीं बोलते। पता है ये सब कौन करता है? तुम जैसे सोच रखने वाले लोग। इस देश में दुर्गा पूजा इतना धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि हम देवियों को पूजते हैं, पर उसी देवी को हम लड़की के रूप में गंदे नज़र से देखते हैं। क्या हमें हर महीने अलग करके रखना इतना ज़रूरी है? क्या हमें हर महीने एक अलग नज़रिए से देखना हमारी खुशी से भी ज़्यादा ज़रूरी है? डोंट यू नो वी ब्लीड? यस वी ब्लीड बिकॉज वी आर द सोर्स ऑफ लाइफ। और हाँ मासिक धर्म कोई शर्म की बात नहीं है। मैन डू नॉट रेप पीपल, रेपिस्ट रेप। हर लड़के गलत नहीं होते, सजा उन्हीं को मिलनी चाहिए जो गुनहगार हैं। इस देश की हर बेटी प्यारी है, चाहे वो हमारी हो या तुम्हारी हो। इज्जत लूटने वाले को मृत्युदंड देना जरूरी है, चाहे वो मौलाना हो या पुजारी हो। इन सब की देवी का अब समय आ गया है कि वो अपनी आंखों से काला पट्टी उतार दे, क्योंकि जब रेपिस्ट को समय से सजा नहीं मिलता तो कभी रेप बंद नहीं होगा और इस देश की लड़कियां कभी सुरक्षित नहीं होंगी। रेप इज नॉट जस्ट अ वुमन्स इशू, इट्स अबाउट अ मैन हु स्टॉप बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक एनिमल्स। इट्स 2020 एंड स्टिल मेनस्ट्रुएशन इज ह्यूज टैबू इन इंडिया। प्लीज चेंज योर माइंड। बलात्कार कभी छोटे कपड़ों के वजह से नहीं होता, छोटे सोच के वजह से होता है। वो कहता है ना, दृश्य तब तक अश्लील नहीं होता जब तक दृष्टि अश्लील ना हो। आई रिपीट वंस अगेन, सबको अपनी तरह से जीने का मौका दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो।